Come. शान साहब आप किधर पहुंच गए हैं? अभी हम द ओल्ड अलॉटमेंट्स में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर घोड़े ही घोड़े हैं बड़े खूबसूरत, और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर घोड़े किस तरह से रखे जाते हैं और क्या क्या चीजें हैं। इन लोगों की जो है वो डिफरेंट है हमसे, तो चलते हैं और देखते हैं। खबरदार यूट्यूब चैनल में अगेन खुशामदीद कहते हैं, और यूके पे हम मौजूद हैं और आपको अब जो घोड़े हम दिखाने जा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है। जैसे कि आपने वीडियोस में स्टार्टिंग में देखा होगा कि कौन सी ब्रीड है, लेकिन मैंने इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली है और अगेन मजीद मैं इन्फॉर्मेशन लूंगा कि कहाँ से आई है, कब शुरू हुई है। आप मेरे बैक में जो घोड़े देख रहे हैं कि आयरिश स्पोर्ट्स हॉर्सेज हैं, मतलब कि इनको स्पोर्ट में यूज किया जा सकता है। और ये जो घोड़े हैं इनकी आप बॉडी चेक कर सकते हैं, इनका स्टेमिना वगैरह आप देख सकते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी घोड़े अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर हमारे घोड़ों में चुस्ती चलाकी ज्यादा है। लेकिन जो सेकंड वन आप घोड़ा देख रहे हैं जिसको हम चंबा रंग भी बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट में, तो इस काफी हाइटेड घोड़ा है और इसके जो कान हैं अगर उनसे आप देखना चाहें तो इसके जो ईयर्स हैं वो थोड़े से चपटे हैं, चौड़े हैं, तो कानों से अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो वो फौरन आपको देख के पता चल जाता है कि ये बाहर की ब्रीड है, पाकिस्तान की ब्रीड है, इंडिया की ब्रीड है। क्योंकि हमारे जो घोड़ों में चीजें देखी जाती हैं वो हैं जी, घोड़ों के कान जो हैं वो आपस में मिले होते हैं, उनके जो ईयर्स होते हैं वो अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इनके जो घोड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि थारो ब्रीड्स भी होते हैं और ये जो घोड़े हैं खास करके स्पोर्ट्स वाले घोड़े हैं। देख रहे हैं एंड पे वो वार्म ब्लड हॉर्सेज हैं। वार्म ब्लड हॉर्सेज आपको मैंने पाकिस्तान में भी दिखाए हैं, वहां पर भी वार्म ब्लड हॉर्सेज की जो ब्रीड है वो मौजूद होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बड़ी खास है कि हमारे पाकिस्तान में ब्लड लाइंस का बड़ा गैप है, क्योंकि हमने अपनी ब्लड लाइंस को जो है वो सेव नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज द ब्लड लाइन ऑफ दीज हॉर्सेज, बट यहाँ पर इन्होंने ब्लड लाइंस को प्रॉपर तरीके से लिखा होता है, इनको पता होता है कि ये किस साइज का है या किस घोड़ी का है, उनकी प्रॉपर ब्लड लाइन के साथ ये लोग चलते हैं। अगर हम इनके फार्म की बात करें तो इन्होंने ये प्रॉपर तरीके से बाड़ लगा रखी है। इन घोड़ों के लिए ये सिर्फ छोटी छोटी जो है ये ही बहुत होती हैं कि जस्ट एक बाड़ है और ये यहाँ पर ही चलते रहते हैं, अपने घास वगैरह खाते हैं, खुले फ्रीली मूव करते हैं ये घोड़े। हमारी तरह नहीं है कि हम इनको बांध देते हैं घोड़ों को, तो बड़े सख्ती के साथ घोड़े भी हमें रखे होते हैं कि इनको छोड़ना नहीं है, इनको कायदा करना है। यहाँ पर कायदा भी नहीं किया जाता, खुले घोड़े फिर रहे हैं। और ये जो घोड़े हैं ये स्पोर्ट्स घोड़े इनको कहा जाता है, स्पोर्ट हॉर्सेज। रग्बी में यूज होते हैं। विच अनदर स्पोर्ट? रग्बी एवरी स्पोर्ट, एनी गेम में। ये घोड़े जो है ये आप किसी भी गेम में इनको यूज कर सकते हैं। अभी हवा जो है वो काफी तेज चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी होगी आपको, नॉइस की वजह से आपको आवाज मेरी जो है थोड़ी सी क्लियर नहीं आएगी।
यहाँ पर चूंकि पाकिस्तानी हॉर्सेज वैसे भी हमारे मुल्क के घोड़े जो हैं वो बहुत कम एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इंडिया की मारवाड़ ब्रीड जो है वो मैंने अक्सर यहाँ पर देखी है, वो भी जो हमारे पाकिस्तानी या पंजाबी लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं फ्रॉम इंडिया। तो अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये लोग इससे ही घोड़ों को पसंद करते हैं जिसमें वार्म ब्लड भी आ जाते हैं, स्पॉट हॉर्सेज आ जाते हैं, थारो ब्रीड्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके जो है वो फ्रीजियन हॉर्सेज आ जाते हैं। तो अभी के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। टेक कम 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 कम।